दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के चलते स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया। केजरीवाल सरकार का यह आदेश शुक्रवार से लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले एक महीने से प्रदूषण स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज भी कई जगह प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में यह लेवल 600 को पार कर गया। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें स्कूलों के खुले होने का मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूलों को क्यों खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बड़े लोग घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे सुबह धुंध में स्कूल आखिर क्यों जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि बच्चे के अभिभावक अगर स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेजे, नहीं तो ना भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह स्कूल और दफ्तर खोलने को लेकर अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने स्कूलों के बंद किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, वर्तमान में प्रदूषण के स्तर के चलते दिल्ली के सभी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 24 घंटे में फैसला ले सरकार सुप्रीम कोर्ट। प्रदूषण के मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान काफी सख्त रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, सरकारें प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाए, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।